ईरान में हिजाब पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हिजाब न पहनने पर महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिजाब के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का फरमान जारी किया गया है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार ने हिजाब कानून के नियम को नहीं मानने वाली महिलाओं को मानसिक इलाज के लिए भेज रही है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल संगठन ने चेतावनी दी है कि देश की न्यायपालिका इस उद्देश्य के लिए मानसिक चिकित्सा का उपयोग कर रही है। ईरानी महिलाएं जैसे जैसे कड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं, सरकार उतने ही कड़े कदम उठा रही है। यानी हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर पहले से ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, ताकि हिजाब कानून का पालन नहीं करने वाली महिलाओं पर लगाम लगाया जा सके। इस विरोध प्रदर्शन में ईरानी एक्ट्रेस अफसानेही बेगन भी शामिल हुई, जिन्होंने बार बार खुले बालों की तस्वीर पोस्ट की है। वो हाल ही में एक समारोह में बिना हिजाब के शामिल हुई थीं, जिसके बाद ईरानी एक्ट्रेस को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें एंटी फैमिली पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इलाज करने के लिए सप्ताह में एक बार मनोवैज्ञानिक केंद्र जाने को कहा गया है। इतना ही नहीं, तेहरान प्रांत की एक अदालत ने तो महिला को बिना हिजाब के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर ऐसी सजा सुनाई है जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। अदालत ने महिला को 1 महीने तक मुर्दा घर में लाशों को साफ करने की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बगैर हिजाब पहने गाड़ी चला रही थी। ईरानी प्रोफेसर ने कहा है कि अफसाने बेगन को जो सजा दी गई है वो एक उदाहरण है। इससे जाहिर होता है कि सरकार महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करना चाहती है। महिलाओं को सिर ढकने पर मजबूर करने के लिए सरकार नए नए तरीके खोज रही है। उन्होंने आगे बताया कि सितंबर 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद देश की कई महिलाओं ने हिजाब छोड़ने का फैसला किया था। जानकारी के लिए बता दें कि अमीनी नाम की युवती की पिछले साल सितंबर में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरानी महिलाओं ने हिजाब न पहनने को लेकर देशव्यापी जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिजाब न पहनने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। ऐसी सजा सुनाने वाले जजों के फैसले पर कई सामाजिक संगठनों ने हैरानी जताते हुए उनकी आलोचना की है। देश की मुख्य न्यायपालिका को भेजे गए एक खुले पत्र में ईरान में 4 मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के अध्यक्ष ने अधिकारियों और अन्य उद्देश्यों के लिए मनोरोग का शोषण करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों का निदान मनोचिकित्सकों की जिम्मेदारी है, न्यायाधीशों की नहीं। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।